निकल जाएंगे। और क्या है? अरे मेन कारण था इसका ब्रेक पैड, इसका ब्रेक पैड हो गया पूरा खत्म। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं पारसनाथ, अपना एक छोटा सा राइड है क्योंकि कल के बाद वेदर थोड़ा सा डिस्टर्ब था, हम लोग को संडे राइड था तो हम लोग उसको पोस्टपोन करके आज कर दिए। हमारे साथ दो और रवि हैं जो रामगढ़ से आने वाले हैं। फिलहाल इस राइड पे हमारे साथ एक राजेश यादव हैं जो अपाचे 310 पे हैं, और हमारे साथ अजय भाई हैं जो अपने बुलेट पे हैं। बुलेट का चक्कर थोड़ा सा अपडाउन हो रहा है। अरे कब चकवा से क्या कर रहा है? अच्छा चलिए कहीं चेक करा लेते हैं। अब तो कैसे बताएं हम, शायद लूज होगा या देख लेते हैं, कहीं पूरा ऐसे हल्का हल्का हो रहा है, बबलिंग कर रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बाइक लेकर रोड पर निकले हैं ना कुछ होता ही है, कहे कि सारा चीज डिपेंड करता है मालिक के ऊपर कि मालिक कैसे ट्रीट करता है। गंदी बात गंदी बात। तो और हमारा 22 किलोमीटर है, एक घंटे की रास्ता पूरा दिखा रहा है, और यहाँ से पूरी रोड चौड़ी है, 6 लेन की आप रोड बोल सकते हैं इसको। और अगर हमारी दोनों बाइक अगर कंडीशन में होती तो भाई साहब अभी हम लोग ना पहुँच चुके होते जगह पे। पारसनाथ यहाँ से इजीली विजिबल हो जाता था लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन देख सकते हैं आपको शेप अगर दिख रहा होगा तो इधर दिख रहा है पारसनाथ, हम लोग जस्ट इसके पीछे साइड में खड़े हैं। वेलकम 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 ब्रो वेलकम। एक्चुअली हम लोग को जाना पड़ेगा पीछे, डुमरिया ना, और उधर जाए इधर से ना रोड थोड़ा सही नहीं है, पीछे से घुसना पड़ेगा। तो लड़का लोग आगे वेट कर रहा है पुल के ऊपर से, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। नहीं हम मैप में भी दिखा रहे, वो सही नहीं बता रहा है, वो लोग बोला वहाँ से जगह है, चार दूर नहीं 10 किलोमीटर यहाँ से डुमरी श्री, हाँ वहीं पर। हाँ तो मैप का थोड़ा ट्रस्ट हमको कम होता है क्योंकि बाइक वाला जो रूट है ना वहीं से है। तो यहाँ से राइड हमारी रियल स्टार्ट होती है, सारा टीम सब मिल चुके हैं, तो लाइनअप में हेड पे हम ही रहेंगे एज अ कैप्टन, बाद बाकी रवि भाई हैं वो टीम संभालेंगे पीछे। तो चलिए और इस शानदार राइड का मजा लीजिए। और ये हम लोग का मेन रूट यहाँ स्टार्ट होगा, तो किसी से खाना के लिए पूछ लेते हैं। तो वो कहाँ चल गया? अच्छा कोई नहीं, कुछ हुआ नहीं, तू नहीं हो कुछ हुआ ना, तू कुछ हुआ नहीं ना, तू तो गाड़ी झटका से बंद हो गया होगा फिर। अच्छा अरे कोई नहीं, उतना चलता है राइडर वाला भाई, इतना कोई कोई भी दिक्कत नहीं है। दो दर्जन केले ले लिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और बाकी उधर देखा जाएगा क्या खा पाएंगे। कहाँ डालें? जितना लेना ले लो उसमें डालो, कहे कि समोसा भी ले आ रहा है, इतना हो जाएगा कि खाते खाते प्रसन्न हो जाएगा। लो इसको पकड़ो, बैग में डाल दो।
सो फाइनली हमने सारा चीज़ ले लिया, मेरा बैग इतना ज़्यादा भारी हो गया, 2-3-4 बोतल पानी का, केला और जितने भी सामान थे सारा मेरा बैग में, मेरा ऑलरेडी बहुत सारा सामान था और सारा सामान आ गया। तो एक अच्छा सा जगह देख के रुकते हैं हम लोग खाने पीने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और पहाड़ी स्टार्ट करेंगे चढ़ना तो भाई साहब भूख तो बहुत खतरनाक लगेगी। ये है सरनाथ का मेन गेट, वी आर एंटरिंग। यहाँ से स्टार्ट कर रही है होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी मंदिर दिखेंगे आपके सारे वाइट ही दिखेंगे। यहाँ का खूबसूरत प्रतिमा, खूबसूरत खूबसूरत कलाकृतियाँ बहुत सही बनाया गया है। तो फाइनली वी आर रोलिंग ऊपर फॉरेस्ट गार्ड का कुछ लिहाजा मिला है कि ये डिपार्टमेंट पूरा फॉरेस्ट गार्ड का ही है, तो चलते अगर उन लोग रोकते हैं तो पहले उनसे मिल के बात उत करते हैं। पहले गाड़ी पेपर आप चेक कर लीजिए ताकि आपको, ये है सर गाड़ी का पेपर, ये है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक, और ये है हम लोग पे चलाते हैं, अब देख लीजिए। हाँ हेलो, सब प्रोफेशनल भैया, तो आप देख सकते हैं सारा कुछ। एक मिनट रुकिए, कौन सा चैनल है आपका? बहुत ज़्यादा सोर्स करने के बाद हम लोग 3 बाइक का अलाउ करवाए हैं, उसमें से 3 बाइक यहाँ रख दिए हैं, बाकी ऊपर चलेंगे। फाइनली आफ्टर अ ग्रेट कन्वर्सेशन हम लोग को जगह मिला चलने के लिए और हम लोग चल पड़े हैं रास्ते पे, और बाकी हमारे दो दोस्त हैं उन लोग तो अपने दिमाग लगा रहे हैं निकलने के लिए, और हम लोग पास एक प्लान है जिसके प्लान के थ्रू काम करेंगे। वो प्लान ये है कि हम लोग दोस्त लोग को बोले हैं कि चलने के लिए पैदल, और इन लोग को आगे से ओवरटेक करेंगे और सबको गाड़ी पे लोड करके ले चलेंगे। पैसा लगेगा जाने के लिए, पैसा लगेगा जाने के लिए। अरे आओ छोड़ जा रहे, तुरंत आ रहे। हाँ फाइनली हम लोग जगह पे आ गए हैं इतना परिश्रम के बाद, अब हम लोग को थोड़ा खाना खाएंगे, बाकी भाई लोग यहाँ खड़े हैं। यो ब्रो अब थोड़ा खाना वाना मेरा, हाँ पैदल चल के आया भाई, सबसे ज्यादा लड़का यही चला है, लेकिन आ रहा है गाड़ी यहाँ पर, अब खाते हैं पहले यहाँ। यो मिस्टर मजा आ रहा है भाई, चलो ठीक ठीक। पर है लंच का प्रोग्राम, बंदर से बचा करके मेक श्योर, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, और हाँ केला खाते हुए। तो चलिए पहले खाते हैं, हाँ तो पहले चलिए पहले खाते हैं और खाने के बाद बात करते हैं। चलिए बढ़ गया जैसे, हेलो चले हम लोग, तुम लोग पैदल पैदल। तो फाइनली वी आर रोलिंग, तो यहाँ पर पूरा अलग से पूरा ग्रुप आया बच्चों लोग घूमने फिरने के लिए, पूरा साउंड लेके आया है। हाँ भाई को आगे हम छोड़ दिए हैं, वो जहाँ जा रहे हैं बाद बाकी बाकी लोग हैं। वाकई बहुत ज़्यादा हम लोग ऊपर आ गए हैं, अब सबको उन लोग को लेके आना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ एक्सपीरियंस ड्राइवर ही आए तो बढ़िया है, बहुत स्टीप है और बहुत डेंजर ही है। हमारा गाड़ी हाईजैक हो गया है। ए पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है सर, छोड़ दीजिए छोड़ छोड़ दीजिए। नहीं सर, गंदी बात गंदी बात, हटा हटा गाड़ी हटा गाड़ी हटा।
ऐसा कीजिएगा, हमको तो डर लग गया था। टांगते हैं लोगों, तुम तो कब हम आगे तुम सूत के तो रोड पे ओके 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 तुरंत 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 आ रहा, तुरंत आ रहा। निकल जाएंगे लग रहा है, लेकिन जो यहाँ रहता है वही लोगों को पता है इसके मेरिट डिमेरिट क्या है। पूरा बादलों पे बनाया भाई, पूरा बादल ही बादल है। कैंप और ये मेन रास्ता, हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग जितना भी मेंबर थे सब पहुंच चुके हैं। बाइक पे यहाँ पार्क लगा दिए हैं और फाइनली यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर आ गया है वो हम लोग पैदल चढ़ेंगे। 2-1 किलोमीटर है। मेन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर खाने पीने का इस्तेमाल मिलता है, खा सकते हैं। और बाकी यहाँ से मेन मंदिर स्टार्ट हो जाता है। पानी बोतल हर एक चीज़ आपको यहाँ पर लोकल्स प्रोवाइड कराएंगे, फल फ्रूट हर एक चीज़। वी आर गोइंग, सारे ब्लॉगर एक्टिव हो गए यहाँ पर। फाइनली हम लोग टॉप तक पहुँच चुके हैं। पूरा मेहनत रंग लाया भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ हमारा, गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा कसरत चढ़ने में। नाउ वी आर हियर, और लुक अपना सारा क्रू मेंबर लोग सब ब्लॉगिंग की तैयारी करते हुए। ईच एंड एवरी वन, ऐसा लग रहा है बेटा कि हम लोग मेला घूमने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जितना ब्लॉगर है मिलके कि हम मेला करने आए हैं, सब लगातार बोले जा रहा है। ये है बहुत प्राचीन काल से ही पार्शनाथ का मंदिर है, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पहले केसी है, ठीक। ये हमारे पालगंज के राजा पार्शनाथ सिंह का ये कब्जे में थे पालगंज के समय में। फिर बाद में इसको मैंने जैन लोग कुछ आने की यहाँ रखे, तब यहाँ का राजा के साथ संपर्क करके उसको यहाँ से कलकत्ता ले गए, ठीक है। और ये पार्शनाथ की अपने पूरा पहाड़ जिनका उनका एरिया है, उसको अपने रजिस्ट्री करा लिया गवर्नमेंट करा लिया रजिस्ट्री। नहीं नहीं, जैन लोग करवा लिए गवर्नमेंट से, उसके बाद जैन लोग इसको कब्जे डाल दिए हैं। अच्छा, पहाड़ की। और ये पार्शनाथ टोटल कितना किलोमीटर का है? ये 9 किलोमीटर की है। पूरा है 27 किलोमीटर। 9 किलो आना है, 9 किलोमीटर जाना है। अच्छा, मतलब मेन अगर मंदिर आते हैं तो 9 किलोमीटर आना, 9 किलोमीटर जाना। अब पूरा अगर पार्शनाथ कवर करते हैं तो 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर सिर्फ आना, नीचे से जाना आना। अच्छा ठीक है, 9 किलोमीटर घूमना है, 9 नीचे जाना है 9 आना है। और यहाँ बेसिकली किस समय ज्यादा भीड़ रहता है? यहाँ रहता है मार्च में रहता है, अभी दिसंबर में रहा, अभी देखिए 1-2 लाख। मेन मंदिर में बेसिकली क्या है, चिन्ह है, पैर का चिन्ह है, वही पार्शनाथ भगवान जो मोक्ष गए हैं उनका चिन्ह है, उन्हीं चिन्ह को पूजा करते हैं, ठीक है। महावीर भगवान का नाम से वही प्रचलित है, परंपरा से चलते आ रहा है, आज भी चल रहा है। चलिए, तो ये रहा छोटा सा पार्शनाथ के ऊपर कहानी, जो हम जगदीश महतो के द्वारा हम जान पाए पार्शनाथ का पूरा कहानी। इसके नीचे सुने गुफा वगैरह भी है जी। हाँ, तो नीचे है, उसी गुफा में पहले भगवान मोक्ष गए हैं अंदर। अच्छा, उसी से मोक्ष गए। मैं हाँ, मैं वही है। अच्छा, बाद में इसको जब मंदिर बना तब फिर ऊपर चरण रखा गया उनके नाम से। तो अभी हम लोग जगह कम है इसलिए ऊपर में बनाया गया है। तो चलिए अभी कुछ देर हम लोग गुफा भी देखेंगे और पैर का दर्शन करेंगे, चिन्ह को प्रणाम करते हुए प्रयास निकलेगी। ये है गुफा, और ये गुफा का प्रवेश द्वार
यहाँ लाइट की थोड़ा दिक्कत है, तो लाइट के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा झुक करके। ये बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। आइए। हरिओम। यही है ये जो पत्थर है, ठीक है, यही हम लोग, आप शिव जी मानिए, अच्छा, या भगवान मानिए, जो भी मानिए, यही चीज है। अच्छा, यही पारसनाथ भगवान यहीं पर तप किए थे, तप किए थे, मोक्ष भी गए हैं इसी स्थान से, यही स्थान उनका है। और कुछ दिन हम लोग पूर्वज ने बता देते थे यहाँ कुछ बिल था, अच्छा, शेष नाग भी निकलते थे इसी जगह से, अच्छा, और लोग जब देखते थे तो उसको दूध और लावा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उनको डालते थे और उसी बिल में वो प्रवेश कर जाते थे, फिर आदमी को नजर नहीं पड़ता था। चलिए, बहुत पावन जगह है आप इसको, और ये सबसे पवित्र जगह पूरा पारसनाथ का यहीं पर है। आप लोग जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर जरूर माथा टेके। और ये है चिन्ह जो मुनि का चिन्ह देख सकते हैं, कितना खूबसूरत से यहाँ बनाया गया। पूरा गुफा का शेप में बनाया गया है, हाइट बहुत कम है, और इसको माथा बचा के चलना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। गुफा से ये जो सामने है ना, हाँ, तो बिल रखता था, अच्छा, ये जो मार्बल बिल पर जो लग गया ना, हाँ, तो बिल बंद हो गया। अच्छा, यहीं पर भगवान वो नाग किधर गए हैं वो मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं तो कभी बिल रहता, हाँ, तो सांप आता और वो हम लोग भगवान का दर्जा दिया गया था। आपको फिगर में देख लेते हैं। टाइम हो रहा है जो भी होगा आज 3:25, तो हम लोग पहले खाना खाने के लिए लंच करते हैं, उसके बाद आप लोग देखते हैं कहाँ खाना मिलेगा। ये जूस पिलाइए भैया, बहुत ही तगड़ा प्यास लगा हुआ है, एनर्जी से बहुत जल्दी मिलने वाली है। एकदम जूस पिलाइए भाई, लोग बहुत ऊपर चढ़ गया है, मेहनत किया है। मुँह तो धोने का रहा। तो ये हमारा लंच का टाइमिंग स्टार्ट, अब हम लोग लंच करने बैठे हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके वो लंच करके निकलेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लोग नीचे उतरने में भी समय लगेगा। तो यहाँ देखिए अचार पापड़ दाल भात सब कुछ है, खाएंगे निकलेंगे। तो चलिए पहले खाते हैं। तो आप सभी को हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।